देखो, और भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसी में ख्याल आए हैं कि 24 घंटे के बीच में तुम 15 मिनट छोड़ो भगवान के लिए। ऐसा तुम जॉब ध्यान ग्रंथ पाठ सत्संग इत्यादि हर वक्त करो, लेकिन 24 घंटा तुम गृहस्थ का घर का लिए तो देते हो ना, तो 24 घंटा का बीच में एक घंटा का एक अंश, चौथा अंश का एक अंश, 15 मिनट तुम कम से कम ऐसा करो जो भगवान अखंड है, पूर्ण है, उनको प्रकाश के लिए है अखंड तरीका से हम 15 मिनट उनको अर्पण करूंगा। उसी समय और दूसरा काम नहीं, जो टाइम उसी टाइम में कोई शुद्ध शुच्चा नहीं, जैसा तुमने कहा ना वही बात ख्याल आ गया। अगर तुम पखाना में रहो, अगर तुम बाथरूम में रहो, ते खाने में रहो, तुम्हारा टाइम हो गया, उसी वक्त मौन रहो, मौन रहो और भगवत स्मरण ध्यान रखो। अगर सेवा उस समय आ गया तुम्हारा, कोई किसी को बीमार है कुछ सेवा करना, सेवा करो, मौन रहो, वाक संयम करो, वाक संयम करो, उनको स्मृति का स्मरण कर लिए, वो टाइम हम उनको दे दिया, बोलने का हमारा टाइम नहीं है। चाहे भगवत चिंतन जितना हो सके करूंगा, स्मरण करूंगा, जप करूंगा, अगर टाइम मिले तो बैठे उस समय ध्यान करो, क्या जप करो अच्छी तरह से, तो ये बात आ गया। लेकिन ये बात का बीच में कोई बंधन नहीं, सिर्फ सिवाय सिवाय टाइम का, समय का बंधन। जो समय तुम दे दिया, ऐसा भी कोई टाइम आ सकते हैं कि वो एक चमत्कार है, तुमको पैर का अंगुली में पकड़ूं कहो कौन है मैं हूँ, हाथ पकड़ूं कौन है मैं हूँ, सिर का बाल पकड़ूं कौन है मैं हूँ, मैं ही तो कहोगे ना। तो इसीलिए ये जो 24 घंटा का बीच में भी वो जो 15 मिनट रहा एक घंटा का चौथा का हिस्सा, इसका बीज में भी अखंड रह गया। जैसा तुम मैं करती है सारा शरीर में, ऐसा 15 मिनट के बीज में भी अखंड रह गया। 15 मिनट अगर तुम अखंड करोगे, कौन जाने तुम 24 घंटे घूम के आ सकते, ये गया एक बात। और एक बात है जो टाइम का बंधन नहीं है, ये गया एक बात। और कोई कोई विशेष टाइम रहती है पिताजी, भगवान का हरिनाम करने का तो कोई बंधन नहीं है, जैसे शरीर ने कहा इतना बंधन है, टाइम का बंधन, इतना टाइम हम दे चुका भगवान को। और ऐसा से भी किसी किसी को हुआ, ऐसा चमत्कार है जो वन में पक्षी होता है, क्या शार होता है, पशु होता है, देखो टाइम पर बोलते हैं, घड़ी घंटा उनके पास कहा है। इस शरीर का जो साधन का खेल हुआ ना, उस समय ऐसे को ख्याल आया, देखो उनके पास घड़ी घंटा कहा है, उस टाइम पर बोले, चाहे बारिश हो, बादल हो, कुछ भी हो जाए, वो टाइम पर बोलना है बोलती है। और ऐसा भी दिखाई दिया, ये जो 15 मिनट कोई ने ले लिया है, बहुत सारे लोग लिया भी है, ले लिया, और गोपनाथ को विराज भी लिया, और भी कोई कोई लिया टाइम का, तो उसके बीच में होता क्या है, किसी को ऐसे ही हमने कहीं जगह में गया था, बहुत भीड़ थे, पीछे बैठा रहा एक ने आके, पशुपति बाबू गुरुनाथ को शिष्य थे, हाँ। उन्होंने शरीर को बड़ी, अरे माई लोग कोई साधु, ऐसा करके उनको दामाद का घर में आके बहुत ये करी थी, बहुत लड़ी थी, कहाँ जाते हो तुम लोग, बहुत साल का बात है। उस वक्त तबीयत बहुत अच्छा थी, उम्र भी छोटा थे, कहाँ जाते हो, छोटा उम्र का लड़की है, कहाँ जाते हो, बहुत मैं करती हूँ, और बहुत ऐसा बातचीत होते हैं उनको साथ। तो फिर एक दिन उनको घर में बुलाया शरीर को, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, उससे पहला रात ना, तो पहला रात ऐसा हो गया था, उनको एक बिल्ली जो है बड़ी पसंद करती थी, बिल्ली लेके लेप का नीचे सोए, और वो जाके इतना जोर से काटा, और बैंडेज बांधना पड़ा उनको। तो हमने उनको दामाद ने कहा, माँ हमारा ससुर यहाँ है, आपको सब मिलने जाती है।
तो ईश्वरी को तो ऐसे ही थे उस समय और वैभव एक थी। इस समय जब माँ दीदी ने कहा तो मैं भी भद्र हो गया, नियम से सबके साथ बातचीत करते। उस समय 24 घंटा का बीच में कौन समय बात किस साथ करेंगे और किसको आंख खोल के देखेंगे, वो हर समय रहती है, किसी समय मुलाकात हो जाए देखे क्या बात होए, ऐसे ही हर समय अपना ऐसे रहते ज्यादा टाइम। तो किसी वक्त किसी का घर में ले गया बैठे रहा लेटे रहा ऐसे ही तो रहते थे ज्यादा। उन लोग भी देखा कुछ तो फिर गया है क्या बात करे, तो उन्होंने बात करते रहा, मिला से बात करे, बात करते करते क्यों ही है ना, गुरुनाथ का शिष्य है और भक्त है, गम्भीनाथ बाबा जी का शिष्य है, गम्भीनाथ बाबा जी गुरुनाथ में गम्भीनाथ बाबा जी का शिष्य और बहुत अच्छा ये है। पीछे कहती है माँ हम तुमको माँ नहीं बोलूंगा बाबा बोलूंगा। हमारा गुरुजी को बाबा बोलते थे, हम बाबा बोलूंगा इतना स्नेह आदर करते थे, बाबा बोलूंगा तो तब से बाबा ऐसे हम उन्होंने भी बाबा ही कहती है, भावना रखती है, ऐसा ही है। तो आते का है जहाँ हम कहीं जाते हैं बहुत भीड़ हो जाता है, पीछे चुपचाप बैठे देखते रहते सुनते रहते हैं, कीर्तन उर्तन बहुत होते उस सम टाइम में। तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में आई हाँ उनको जो आई जॉब लिया था, इसी जॉब है 10-15 मिनट जैसा है अर्पण कर दिया, टाइम को अर्पण कर दिया, तो घर देख के करते थे इतना दिन तक। तो वहाँ बैठे रहा देखते ऐसा हुआ जैसा देखने की भी इच्छा नहीं है, कोई बात सुनने की भी इच्छा नहीं है। क्यों मेरे ऐसा लग रहा, शरीर तो खराब नहीं हुआ, क्यों लग रहा। घड़ी का नजर पड़ा, देखा जो उनको टाइम हो गया, ध्यान का टाइम हो गया। और जैसा पशु पक्षी बोलते थे बोले अभी तक उनको घड़ी घंटा कहा है, तो अभ्यास से आदत से ऐसा हो जाते हैं, बस उनको अपना शरीर से मन से ख्याल करा देते हैं जो हमारा टाइम हो गया। तो घड़ी में दिखता अरे हमारा तो 15 मिनट दे दिया भगवान को। तो ऐसे ऐसे ऐसा भी हुआ, किसी किसी को पति का देहांत तो हो गया, स्मशान में गया, टाइम हो गया, हुआ ही पिता का पति का, बस हुआ ही वो 15-10 मिनट जो लिया था वो करते थे। तो बात यही है, शरीर कहते हैं खाना नहीं जाते, बिना नहीं जाते, कपड़ा नहीं छोड़ा जाते हैं, हर हालत में कुछ भी नहीं तो नहीं जाते हैं। तो भगवान को जो दे दिया उसको क्यों तुम टालोगे, जो हालत में रहो उसी हालत में तुम दे दो। तो ये जो बंधन है ना, एक होते हैं उस तुम्हारा बात से ख्याल आ गया, क्षण होता है हर समय, क्षण का शक्ति रह जाता है। जैसा सुबेर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाते हैं, दोपहर का जैसा सुबेर का हिस्सा जाए जो अपराह्न का हिस्सा आ रहा, फिर दिन का हिस्सा जाए रात का हिस्सा आ रहा, रात में भी ऐसा है सुबेर भी ऐसा है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है इसीलिए मुहूर्त कहा जाता है, और मुहूर्त माने क्षण, उसी क्षण जो विशेष शक्ति रहती है। इसीलिए शाम सवेरे दोपहर में जो त्रिशंधा का नियम है ऋषियों मुनि लोग रख गया, उसको ही कारण थे। और रात में भी दोपहर मध्य रात्र विशेष जो महानिशा, और जो महानिशा का बात कहा ना, जो कोई कोई अपना जो करना इच्छा हो या अपना घर में करे, जैसे योगी भाई लोग अपना घर में घरे रख के उस लोग कर लेते हैं, वो यहाँ नहीं रखा महानिशा का ध्यान। और महानिशा में वो 12 बजे महानिशा में तुम्हारा श्री कृष्ण जी प्रकट हुआ, श्री कृष्ण का जन्म तो 12 बजे उसी टाइम में रात में है ना, महानिशा का करीब टाइम नहीं है ना, महानिशा का टाइम में है। और सुबह शाम दोपहर त्रिशंधा तो होता है ना, जैसे सुबह दोपहर शाम त्रिशंधा करने का नियम है, विधि। तो एक तो क्षण रहती है
जो गुरु बताए उसी क्षण से करना, और भगवान नाम लेना वो कोई बंधन हो ही नहीं सकता है। तुम जो कहा ना नाम कर लिए हरि का, भगवान का नाम लेना, वो तो हरि नाम लेना तुम जो वक्त लो उस वक्त ही ठीक है, और शुद्ध नहीं सुच्चा नहीं अशुचि नहीं कोई बात नहीं है। क्यों? मंत्र जो है मंत्रान हमको करेंगे, भगवान का नाम और मंत्र नित्य शुद्ध नित्य पवित्र हमको पवित्र करेंगे, खुद पवित्र है, और वो तो हम पवित्र अपवित्र स्थान पर करें वो तो नहीं अपवित्र होगा, वो नित्य पवित्र है। तो इसीलिए जहाँ जो हालत में जैसा तैसा करो भगवान का नाम तुम्हारा लाभ ही लाभ है, यह बात है। तो इसीलिए महाप्रभु भी कहा, महाप्रभु भी नहीं महाप्रभु स्वयं कहा, जो बस कोई नियम नहीं हर हालत में करो भगवान नाम करने से, कोई नियम का बंधन का कोई बात आ ही नहीं सकते। हाँ, और जो नियम जो जिसको जो लाइन से जो बताया जो स्थान से वो भी अलग अलग नियम रहते हैं, यह बात विशेष समय विशेष स्थान रहते हैं। आपने जब अखंड जब को बात कहा, अगर किसी का किसी कारणवश अगर किसी दिन खंडन हो गया तो उसका प्रायश्चित करने का विधान, प्रायश्चित करने का विधान इसीलिए नहीं है, विधान कह सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आया नहीं शरीर से। जो देखो गाड़ी जब छोड़ जाते हैं उसी दिन का मिलता नहीं उस टाइम का एक बात, इसीलिए इसी के लिए और करा मन में करा भी 15 मिनट तो है, दे दिया भगवान को करा भावना रहे जो हमको किसी तरह से खंडित ना हो। अपने इच्छा से नहीं, जैसा मान लीजिए कोई बीमार हो गया सुनो कोई अज्ञान हो गया बीमार हो गया वो भगवान करेगा, एक बिल्कुल विश्वास रखो। अज्ञान हो गया और कोई बीमार हो गया वो संभाल लेंगे भगवान, वो उन्होंने खुद पूर्ण कर लेंगे। जब तक तुम्हारा ज्ञान है होश है तब तक तुमको अपने करना, यह बात है। गाड़ी फेल मत करो ये तो करना ही है, करा नहीं होने से चलता नहीं। अरे 15 मिनट दिया ये भी याद न रखो, नहीं अभ्यास योग जो कहा जाता है ना, अभ्यास योग देखो पिताजी अभ्यास पड़ गया दुनिया का सारा कार्यों में, याद अपने आप ख्याल होती है, होता कि नहीं? ऐसा आदत पड़ गया अभ्यास हो गया, इस ढंग से बैठने का आदत पड़ गया, इस ढंग से खाने का आदत पड़ गया, और इस ढंग से सुनने का आदत पड़ गया, इस ढंग से चलने का बैठने का सारा ये जो अभ्यास है, जो अभ्यास से तुम है दुनिया के चल रहा पिताजी वो भी अभ्यास करो आदत करो। देखो वो अभ्यास जो पड़ेगा ना यही तो कहते वियोग का जोग, और जो भगवान के लिए करेंगे वो हाँ महाजोग। तुम जो महाजोगी है और प्रकट होने के लिए है वो क्रिया है, तुम जो नित्य युक्ता है और प्रकट होने के लिए जो क्रिया है वो उसको ही योग कहा जाता है, योगी कहा जाता है। और जो नित्य जो कार्यक्रम कर रहा वो तो वियोग का योग है, हर वक्त है हर वक्त क्या होते हैं एक कार्य से तुम्हारा जो परमार्थ है भगवान है उसको साथ कहा जोग कर देती है। लेकिन नित्य युक्त सब कार्य का साथ रहा है वो सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन तब भी अपना तरफ से यही लेना चाहिए करना चाहिए जो वो जो हमारा बीच में जो महाजोगी में हो वो जागरण होने के लिए, महासाधक जो हो जागरण होने के लिए ये जो हमें अभ्यास करना जोग करना वो हमारा स्वाभाविक है। तो किसी का कहने से हम बैठ लिया क्या जप कर लिया क्या ध्यान कर लिया, किसी का कहने से कुछ वक्त तकलीफ हुआ किसी वक्त कष्ट हुआ और मन में हुआ अरे बाबा हम आराम से खाओ पियो चलो होते हैं, लेकिन जब समझेगी तो अपना काम है मेरे काम है तो दूसरा का काम नहीं, मैं जो करूंगा मैं पाऊंगा फल, दूसरा तो नहीं लेंगे इससे, हमारा अपना काम कर रहा। तो अपना जो भगवान को भगवान को लिए जो कर्म होता है उसको ही योग कहा जाता है योगी कहा जाता है। हाँ पिताजी क्या कहा था ना ये बात जो है हाँ। वो तो अभी बात मैं कहने वाला था कि टाइम जो आपका हो गया उसमें कि जब सबसे पहले मैं आपसे मिला था बहुत बरस हुई हाँ। मैंने कहा कि ये नाम मिला फल नहीं हुआ
आपने कहा था टाइम और देना, टाइम और देना, समय दो, समय अभ्यास, जैसा अभ्यास को तुमको खींच लेंगे, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अभ्यास जो उसको ही कहा जाता है, कार्य करते 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 ऐसा हो जाता है जो हमसे छोड़ा नहीं जाते और हमको खींच लेता है। और तुम जो नित्य युक्त है उसको साथ टच हो जाना चाहिए, होने से क्या करते हैं अपने आप खींच लेते हैं। और एक होते करना और एक होते होना, इसलिए संन्यास लेना और होना दो बात है। और जो अभ्यास करना और अभ्यास अपने आप हो रहा दो बात है। अभ्यास का कार्य, अभ्यास का अभ्यास करते करते हमारा क्या होगा, अभी हो रहा, जब हो जाएंगे तब और करने का जरूरत नहीं पड़ते, जब तक ना हो तब तक करो। हाँ, क्या कहा? एक बात और कही थी, मैंने कहा था बहुत बुरी की बात है कि फल नहीं हुआ। हाँ। तो आपने कहा पिताजी कष्ट तो किया नहीं, तप तो किया नहीं, फल कैसे हो? अच्छा, तो फिर संयम कराया, ये वो करा, अब की कह दी आपने संयम मत करो। नहीं, संयम मत करो, मैंने तुम सत्संग करो। क्यों? शरीर एक बात है, शरीर को जो शरीर जो ग्रहण कर, संगम तो कर ही रहा तुम, जो चीज से तुमको शरीर से तुमको सत्संग में बाधा डालती है ये कार्य मत करो। जो जिससे तुमको सत्संग में बाधा ना डाले ये करो, यह बात है। तप, तप माने, तप माने क्या है? तप तो तपस्या तो माने वही है, भगवान के लिए जो ताप लगता है, भगवत कार्य के लिए जो हमको ताप का माफिक लगता है, कष्ट लगता है, ये जो सहन करना है वही तपसा, तपस्या है वो जो सहन करना, धीरज धरना, तितिक्षा होना। अरे तुम्हारा भी तुम तितिक्षक हो, तुम साधक हो, तुम कर सकते हैं, कर ना सकते तो करने नहीं आते हैं। नहीं कहते जो माँ हमको तो बाधा माना कर दिया, माना कर दिया, इसीलिए तुमको जितना शरीर में सहन होगा इतना तुम करो। अच्छा, सहन ना हो तुम यहाँ आ ही नहीं सके, फिर तुम बिस्तर में पड़ जाओ, शरीर का नष्ट हो जाए, वो तो ठीक नहीं है। शरीर का रक्षा करके तुम जितना ले सको इतना ही काफी तुम्हारा लिए। और नहीं है, छोटा बच्चा है उसका ऊपर बुढ़ा का बुझा दे दे तो उसको क्या हल होगा, वो तो ले ही नहीं सकते है। तो जितना उठा सकते इतना ही लेना। इसीलिए एक बात रहती है आश्रम में, वो भी बात है, बुढ़ा और बीमारी है, बुढ़ा बीमारी शिशु और जो सेवक होते हैं, डॉक्टर होते, उनको लिए एक नियम नहीं हो सकते सबको साथ, इसीलिए तुम्हारा लिए ये बात हुआ। नाम में भी शक्ति है। तो और एक बात इसके बीच में, जैसे पहला बात लाओ, पहले आखिरी भी बात है, ऐसा चमत्कार है भगवान का नाम लेते लेते जो ऐसा कोई स्थिति आता है, ऐसा कोई स्थान आता है, जैसा कोई रास्ते में चलते चलते किसी को दुष्ट मिल गया, तुम्हारा नाम क्या भाई, ये नाम है, बोल दिया, बस मिला दुष्ट मिला। और फिर आखिरी क्या हुआ, उनका हिस्ट्री भी उनके पास, दुष्ट हो गया ना, और उनको हिस्ट्री उनके पास, समझा कि नहीं? तो परम दुष्ट हुआ भगवान। तो भगवान जैसा तैसा करके भगवान का नाम लो, तो नाम रूप में जो परम बंधु मिल गया, परम दुष्ट मिल, नाम नामी अभी ने पहले ही कहा, तो ये जो परम बंधु जो नाम मिल गया, नाम नामी अभी ने स्वयं जो मिल गया, तो एक स्थान एक स्थिति ऐसा आता है, वो अपने खुद अपने को है, अपने को अपना को पास, अपने को प्रकट बिना उनसे रहा नहीं जाता। इसीलिए दीक्षा का भी कोई क्रिया का संयोग खुद कर ही देती है, क्या है बात, ठीक नहीं है, कर ही देती है और अपने तत्व को प्रकाश कर ही देती है। क्या बात है, क्या हो गया ना बात,
শব্দ ব্রহ্ম অক্ষর ব্রহ্ম ওই বিশেষ মন্ত্র হ্যাঁ আর আখির তুমি উনি সে রাস্তা খোলনা পড়েগা ও জব তো তুমারা নই হোগা বিলকুল খুল কে প্রকট নই হোগা তব তক গ্রন্থি ভেদ নই হো গ্রন্থি ভেদ কা লিয়ে এ জরুরি বাত সব কই কা অধিকার ভি নই হ্যায় তব ভি জবতে জবতে এ বাত সে এক বাত খেয়াল আ গ্যা টাইম হোগা কহতি হ্যায় বন্ধ করে না করে।